क्या नाम है? नाम बनवारी जी। क्या हुआ है बनवारी जी? इसमें चोरी हो गई, सारे पैसे थे, इसमें पैसे ले गए और सारा सामान लॉक तोड़ दिया घर से और सामान ले गए सारा। कहाँ है दुकान आपकी? रामलीला काठवाया। पुलिस आई थी क्या? पुलिस सुबह आई। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान लगा 22,000 रुपये कैश और रस्ते कटर और सब बाकी हो जाए। शिकायत पत्र दिया है? शिकायत पत्र तो क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक जी, क्या हुआ है, किस तरह से चोरी हुई है? बाबू जी, यहाँ पर जब मैं सुबह जानी, मुझे तो अभी सुबह मालूम पड़ा, जब मैं घर पर था यानी मेरे पिताजी आके यहाँ पर सुबह आके झाड़ू वाड़ू मारते हैं सुबह, उन्होंने आकर के देखा तो यहाँ पर आग लगी हुई थी और प्लस यहाँ पर दुकान के ताले टूटे हुए थे। जब उन्होंने दुकान खोल कर देखा तो यहाँ पर सभी औजार चोरी, प्लस मेरा यहाँ से माल चोरी और पड़ोसी यानी हमारे चाचा जी राजकुमार, उनके बेड वगैरह उसमें भी मेरा सामान रखा हुआ था, काउंटर वगैरह बेड वगैरह, वो सारे के सारे ही सामान सब गायब हो गया। जब मेरे पास फोन किया इन लोगों ने अभी तो कुछ जलाया भी है क्या? हाँ, जला ट्रैक्टर वगैरह तोड़ के या तो बेड भी जलाए होंगे, इसमें कुछ ना कुछ तो नुकसान किया, यानी वहाँ पर आग लगी हुई वो डली हुई है ना वहाँ पे आग लगी। कौन सी जगह है ये? ये लंगड़े बाबा की बगीची है, काट बजार समिति में लंगड़े बाबा की बगीची। क्या पहले भी कभी ऐसा मामले यहाँ पे हुए हैं? अभी तक के पीरियड में यानी जब से हम दुकान करे हुए हैं, कम से कम हमें 12 साल हो गई दुकान, 12-13 साल हुई जा रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस साल में हुआ है। अब की पुलिस आई थी क्या? हाँ, पुलिस भी आ गई, पुलिस वालों को भी यानी उन्होंने भी जानकारी ली। और लगा कितने का नुकसान होगा आपका? समथिंग हमारा नुकसान हुआ है यहाँ पर 10-12 बैठा है, 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका है। किस तरह की सूचना मिली थी आपको? 9:24 पे PRB 664 पे थे हम, तो चोरी की सूचना मिली थी, काठ बाजार में चोरी हो गई है और दुकान में दुकान के सामने आग लगा दी।